हेलो स्टूडेंट्स, और हम लोग आज फिर पढ़ेंगे आगे, है ना। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हम लोग शायद जो पढ़े थे वो था आपका क्या, गैल्वेनिक सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़। और एक क्वेश्चन दिया गया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है मतलब क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका वर्क प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तब जाके हमें केमिकल एनर्जी मिलता है, तब जाके आपका रेडॉक्स रिएक्शन शुरू होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी मिलता है। तो आप डाउट में ना रहें, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत है मेरा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देंगे, उसका आंसर मैं कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन लिख के दे देंगे, मतलब आप लोग व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, इसका आंसर क्या होगा बता देंगे। तो जो लास्ट मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो था आपका आंसर, वो होगा ए नंबर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल में चेंज होता है। गैल्वेनिक सेल रहेगा या फिर डैनियल सेल रहेगा या फिर वोल्टाइक सेल रहेगा, इस केस में केमिकल एनर्जी किस में आपका कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होता है, ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह से कभी कभी कुछ पूछते रहेंगे, आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहेंगे, है ना। और जहां डाउट लगेगा कि आंसर क्या होगा, वो उसका क्वेश्चन जो है स्क्रीन शॉट करके आप भेज देंगे व्हाट्सएप पर या फिर जहाँ भी, हम जो है उसका आंसर कर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन कमेंट में आप अपने अपना पहले आंसर दीजिए आप, है ना, कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चे, थ्योरी को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्या सीखेंगे बच्चे आज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे, है ना। पोटेंशियल का मतलब यहाँ क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। तो इसको पहले हम समझा देते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझना है ध्यान से बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको मैं समझा देता हूँ पहले, है ना, उसके बाद लिखवा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो हेडिंग में दे रहा हूँ, क्या चीज हेडिंग है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब बोलिएगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वही रॉड होता है जो हम लोग डिप किए थे, सॉल्यूशन में डाले थे, है ना, जिंक का या फिर कॉपर का। तो इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो देखना हमें। तो इलेक्ट्रोड विभव डिफाइन करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये बातें क्या है वो देखिए, समझ लें कॉन्सेप्ट। आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा इस टाइप से, लेकिन मैं एक नया कॉन्सेप्ट से, एक मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आपको समझाना चाहूँगा, और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। और जैसे कि आपका बोर्ड में जो पूछा जाता है बच्चे, बोर्ड में जो पूछा जाता है, तो बोर्ड में कोई खास नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर्स का रहता है। और वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जो है उसका डेफिनेशन लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको डीपली यदि समझना है, आपको अंदर तक जाना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ मैं, चलिए मज़ा आने वाला है। एक न्यू चीज़ सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर डेवलप कैसे होता है, किसके बीच में होता है, ना मज़ा की बात है। चलिए खेलते हैं हम लोग इसके साथ, कैसे क्या होता है देखते हैं, है ना। तो मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ठीक से समझेंगे इसको, मुझे विश्वास है, है ना। तो समझिए इसको क्या होता है। तो जैसे डैनियल सेल हम लोग बनाए थे, तो उसी को मैं बना रहा हूँ बार बार, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ फिगर को या कुछ भी, ठीक है। तो जैसे बच्चे 2 कंटेनर हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखवाने के मैं तुरंत लिखवा दे सकता हूँ कि मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन कैसे डेफिनेशन बनता है वो आपको थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिगर बना के और कैसे डेवलप होता है
आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ, है ना। इस बेसिस पर हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल। दो कंटेनर लिए बच्चे, कितने कंटेनर लिए? दो कंटेनर लिए, ठीक है। और दोनों में हम लोग एक एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड को हम M से भी दिखाएंगे, क्योंकि ये मेटल का होता है। किसका होता है? मेटल। M फॉर क्या होता है? मेटल। लेकिन मैं कुछ उदाहरण से ही बता देता हूँ, उससे और क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। नहीं तो बाद में सोचेंगे M क्या है यहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है आपका सिंपल, जो डैनियल सेल बनाया उसी को बना रहा हूँ मैं, है ना। आपको पहले बताया था कि डैनियल सेल पर ही आगे चैप्टर पूरा चलेगा। एक कंटेनर ये है, इसमें डिप कर दिए, इसमें डाल दिए क्या चीज़, एक इलेक्ट्रोड। एक कंटेनर ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड हम क्या करेंगे बच्चे, डिप कर देंगे। यहाँ पे इसको डिप कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। दो कंटेनर है, दोनों को डिप कर दिया गया। कंटेनर है तो थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे कर दीजिए, है ना। तो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कैसे समझेंगे हम लोग। दो कंटेनर लिए, है ना। मान लीजिए इसमें जो सॉल्यूशन है वो मान ले ZnSO4 है, और जब ये ZnSO4 का सॉल्यूशन इसमें डाला हुआ है, ध्यान देंगे बच्चे, इसमें यदि ZnSO4 का सॉल्यूशन है बच्चे, तो ये जो, इसी तो हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये खंबा, ये क्या आपका इलेक्ट्रोड है। तो इसको आप मान लें, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो सॉल्यूशन लेंगे उसी का मेटल रॉड लेते हैं हम लोग, जो सॉल्यूशन लेंगे उसी का मेटल। जैसे ZnSO4 जिंक का सॉल्यूशन है, ये जिंक का सॉल्यूशन है, है ना, इलेक्ट्रोलाइट हुआ ये, तो जिंक का सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ क्या लिए, ZN लेंगे। इसमें बच्चे डाल देंगे CuSO4। अब इसमें CuSO4 है का सॉल्यूशन है, तो इसमें जो हम लोग ले रहे हैं रॉड, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चे, ये होगा आपका Cu का, Cu फॉर कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। ओके, ये आपका क्या है बच्चे, Cu है, कॉपर। बात समझ में आ रही है? तो दो कंटेनर लिया, जिसमें जिंक का सॉल्यूशन, इसमें कॉपर का सॉल्यूशन, ओके। और जिसमें जिंक का सॉल्यूशन उसमें जिंक का छड़ लेंगे, पतला पट्टी लेंगे, और जिसमें CuSO4 है उसमें कॉपर का जो है पट्टी लिया गया है, इलेक्ट्रोड लिया गया है, इसी को इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ये जो दिख रहा है खंबा, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड, है ना। आ रहा है समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो होता क्या बच्चे, एक टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ, ये इसको अभी हाफ सेल बोलेंगे। ये क्या है आपका, हाफ सेल, SC, ये आपका हाफ सेल है। ये क्या है आपका, ये भी हाफ सेल है, हाफ सेल, और ये भी क्या है आपका, हाफ सेल। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक वायर लेंगे, एक तार। वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, तार, है ना, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, कंडक्टिव वायर लेंगे ये, है ना। और यहाँ पे आप कुछ वोल्ट मीटर वगैरह ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर जोड़िए, या आप यहाँ पे कोई लोड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम जो सॉल्ट ब्रिज है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो होता क्या है इसमें, अपने आप क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली होता क्या है बच्चे, कि ये जो इलेक्ट्रोड है, आपको पता है ये आपका एनोड है, ये आपका माइनस होगा, और ये क्या होगा, प्लस। तो डैनियल सेल के केस में, डैनियल सेल के केस में प्लस को कैथोड बोला गया है, क्या बोला गया, कैथोड। और इस केस में बोला गया इसको एनोड। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखें इसको, है ना। तो आपको पता है एनोड पर क्या होता है, एकदम अब जो है कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सेल में जो होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे एनोड में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्लियर करते जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और यहाँ पे जो होगा बच्चे, यहाँ जो कैथोड पे होता है वो होता है रिडक्शन। ये होता है आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। ये सब बातें हमें जानकारी है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको फिर से क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए हम लोग काम करते हैं आगे, क्या होता है इसमें, इसमें क्या घटनाएं घट रही है उसका ऑब्जर्वेशन चलेगा अभी, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या समझना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल बात है,
तो एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसी चीज़ का, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, अभी जी एडन है, एरोड है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन दो तरह का प्रेशर हम लोग पढ़ चुके, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े थे ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोकता है, ऑस्मोसिस को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा होता है। और ऑक्सीडेशन शब्द यदि लिख दिया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल यहाँ पे जिंक का है, जेडन मतलब जिंक होता है, जिंक का जो मेटल है, ये जिंक का मेटल आयन के फॉर्म में कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा बच्चे। मतलब ये जो जिंक है, जिंक मेटल जो है, जिंक आयन के फॉर्म में कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाना शुरू करेगा, सॉल्यूशन में जाना शुरू करेगा। मतलब इसका जो है इलेक्ट्रॉन, जिंक का इलेक्ट्रॉन जो है निकल के कहाँ पे जाना शुरू करेगा, आपका यहाँ पे जाना शुरू करेगा। कहने का मतलब जेडन आयन, जेडन टू प्लस जो आयन है, इससे निकलेगा और कहाँ जाना शुरू करेगा, सॉल्यूशन में। अब बोलिएगा सॉल्यूशन में क्यों जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है बच्चे, ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन प्रेशर जो है आपका ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग एस पी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रोड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड का प्रेशर। अब समझिए ये जिंक जो है, जिंक आयन के रूप में ये सॉल्यूशन में जाना शुरू करेगा, सॉल्यूशन में जाना शुरू करेगा। मतलब याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर यदि हम लिखते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम साइड में लिख दे रहा हूँ है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि एस पी हम लिखें है ना, तो समझिए सॉल्यूशन प्रेशर है, सॉल्यूशन प्रेशर बिलियन का दाब। यदि ओ एस लिखें तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। एस पी है सॉल्यूशन का प्रेशर और ओ एस है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे जो घटना होती है, यहाँ पे जो घटना होती है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाएगा, आपका ये इलेक्ट्रोड लगाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एस पी जो होता है ग्रेटर देन ओ एस, ऑस्मोटिक प्रेशर ओ पी, सॉरी क्या लिखेंगे, ओ पी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जब सॉल्यूशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो मेटल है देख रहे हैं जिंक का, ये जिंक का मेटल आयन के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में कहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, आपका सॉल्यूशन में। जेड एन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका किस में, सॉल्यूशन में। जब इसका प्रेशर, कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, इसका आयन निकल के कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। तो जैसे इसमें जाएगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये जो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। लेकिन ये घटना जो है कंटिन्यूस चलेगा नहीं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझिए, ये माइनस चार्ज है और इसमें जो आ रहा है वो क्या है, प्लस है, जेड एन टू प्लस जा रहा है, मतलब ये क्या है आपका, प्लस। तो एक समय के बाद जाना बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं जाएगा। अब इसका रिएक्शन यदि हम लोग देखें, इसका रिएक्शन यदि देखें, हाफ सेल रिएक्शन देखें, तो क्या होगा बच्चे, पहले क्या था, जेड एन एस था, अब जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमेशा के लिए नहीं निकलेगा, कुछ देर निकलेगा फिर रुक जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ेगा, सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ना शुरू होगा, तो इधर से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, तो आना बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद। और इसको इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब जेडन है तो जेडन टू प्लस एक्वस, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, टू इलेक्ट्रॉन। यदि मेटल के फॉर्म में लिखते बच्चे हम, यदि मेटल के फॉर्म, और थोड़ा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि उधर भी लिखना है आपको, जैसे आपका जेड एन एस है, अभी ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, चूँकि ये हमेशा ऐसा होगा नहीं, और ये बना लेगा आपका जेड एन टू प्लस एक्वस और प्लस टू इलेक्ट्रॉन। यदि मेटल यहाँ पे एम बोल देते तो यहाँ पे एम एस होता,
यहाँ एम एच एन प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा, एन ई इलेक्ट्रॉन हो जाता, कितना हो जाता, एन ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, सॉल्यूशन को दे रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया। देखिए एनोड के टर्म में क्या लिखा गया, माइनस, क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ का मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे यदि देखा जाए, इस केस में देखा जाए, तो ओ पी जो है ग्रेटर देन होता है एस पी, याद रखेंगे, ओ पी ग्रेटर देन, कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका प्रेशर ज़्यादा है। अब इसका प्रेशर ज़्यादा है तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें आना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट समय तक आएगा, हमेशा नहीं आएगा। ये सॉल्यूशन का जो आपका पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक समय तक यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आयन्स जाएंगे इसमें, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, जाना बंद हो जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो गेन जब करेगा आयन्स को, है ना, मेटल को आयन्स के रूप में जब गेन करेगा, तो यहाँ पे जब गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन बोलते हैं। एक बच्चे बोल रहे थे इसको लॉन बोलेंगे, लॉन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, है ना, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, और एन फोर नेगेटिव, तो इसको हम लॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ये यूज नहीं, एल ओ ए एन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड है, राइट, है ना, राइट साइड, रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन, उसके बाद C फॉर कैथोड, रिडक्स मतलब राइट, और R फॉर रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव होता है इसके लिए, तो इसको बोलते हैं राइट, R फॉर राइट, राइट साइड, है ना, रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। लॉन का मतलब होता है क्या चीज, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन, राइट रिडक्शन कैथोड, सी फॉर क्या है, कैथोड, और पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है बच्चे, आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cu2+ था, ये अभी एक्वस है, और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा CuS, क्या बन जाएगा, CuS बन जाएगा। दोनों का हाफ सेल क्या है, रिएक्शन, दोनों का क्या है, हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें लिखना है, और आपको बता दिए sp मतलब क्या होता है, op मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट इसका घटेगा, इस इलेक्ट्रोड का वेट घटेगा, इस इलेक्ट्रोड में वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, E फॉर इलेक्ट्रोड होता है बच्चे, और O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और यदि आपका रिडक्शन है, ई आर है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोड, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, मास शॉर्टकट लिखेंगे। तो बच्चे यदि ई ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन, इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, चूंकि हाफ सेल है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि ई आर लिखा रहेगा तो इसको आप समझिएगा, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोड, आ रहा है समझ में, इसको यूज करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे आपका ईओ, और इसको आप बोल सकते हैं
ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको आप बोल सकते हैं ER, ठीक है। तो हमें पूछा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यदि जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है, किसी का पोटेंशियल जो अपने पता नहीं चलता है, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात बहुत बार बताएं, यहाँ का सॉल्यूशन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ का क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये काम जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चिन्ह इसलिए दिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चिन्ह देंगे बच्चे, अब बोलिएगा क्यों इक्विलिब्रियम का दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये देते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब आयन का फ्लो हमेशा नहीं होगा, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है रिपल्सन, तो इसलिए ये जो चिन्ह है आपका CuS, ये जो चिन्ह है ये CuS कॉपर, ठीक है, ये जो चिन्ह है इक्विलिब्रियम का है, किसका है इक्विलिब्रियम, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि एक समय तक पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, ऑलरेडी पहले इसमें पॉजिटिव है, कुछ समय तक आयन्स आएंगे, उसके बाद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि रिपल यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, आयन्स जाएंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रिपल्सन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना चाहिए उतने ही, तो कहने का मतलब इस इधर का वेट जो है कम होगा, इधर का इस इलेक्ट्रोड का वेट कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कुछ बातें याद रखना है जो कि NCERT में आपको नहीं मिलेगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो बच्चे कंपटीशन देंगे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे नया चीज़ लिखें, लॉन, लॉन पर क्या हुआ, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, याद कर लेंगे या लिख लीजिएगा, जब हम यहाँ बोल रहे हैं, जब वीडियो देखिएगा आप लिख लीजिए लॉन फोर क्या है यहाँ पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, हम शुरू में नहीं लिखवाए थे, इसलिए नहीं लिखवाए थे क्योंकि सभी जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, सभी जगह इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये ओनली फॉर डेनियल सेल के लिए है, डेनियल सेल बोलिए, गैल्वेनिक सेल बोलिए, या फिर वोल्टाइक सेल बोलिए, अदर जगह इसका यूज नहीं होगा, इसलिए सभी जगह इसको लगाने की कोशिश ना करेंगे, है ना। तो लॉन फॉर है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, याद रखिएगा, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव, और यहाँ RRCP का मतलब होता है राइट रिडक्शन, ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट रिडक्शन कैथोड, सी फॉर कैथोड, पी फॉर आपका क्या चीज, पी फॉर क्या है पॉजिटिव, पी फॉर यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया, तो यहाँ पे जो मुख्य बात हमें देखना है, ऑब्जर्वेशन जो हमारा जो डेफिनेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है, वहाँ क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल डेवलप होता है, देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ चलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है वहीं पे आपका क्या होता है पोटेंशियल डेवलप होता है, तो दिखाई दे रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे ZnSO4 है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा Zn2+SO4 2-, तो आपको बताए थे कोई केमिकल कंपाउंड यदि वाटर में डिजोल्व करते हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में टूट जाता है, 100% आयन में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देंगे एक एक शब्द का वैल्यू है बच्चे, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे और कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये फिगर मुझे बनाने की यहाँ पे दिक्कत नहीं, मतलब जरूरी नहीं था, ये नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप बोलिएगा कैसे आ गया डेफिनेशन, तो डेफिनेशन यहीं से आ रहा है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज का सेपरेशन का मतलब प्लस अलग माइनस अलग दिख रहा है, इलेक्ट्रोड में माइनस दिख रहा है और सॉल्यूशन में ज़्यादा क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड में प्लस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस। तो चार्ज में जब सेपरेशन होगा चार्ज का तो वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन को हम लोग दोनों ही सॉल्यूशन क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वैद्युत अपघटन, इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है ना, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको दिखाना चाह रहे थे कि चार्ज का सेपरेशन कैसे हो रहा है दोनों में, ठीक है। यदि इसको हम कनेक्शन को हटा देंगे तो ये हाफ सेल हो गया, ये भी क्या हो गया आपका हाफ सेल हो गया,
और यहाँ पे बोलिएगा इक्विलिब्रियम का सिंबल क्यों दिए हैं, इसलिए दिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि Zn2 प्लस आयन कुछ देर तक आएगा, उसके बाद आना बंद हो जाएगा क्योंकि ये रिपेल करना शुरू हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं आएगा, तो इसीलिए रुक जाता है। एक सेचुरेशन में आने के बाद क्या होता है, सेचुरेशन मतलब समझते हैं, सेचुरेशन का मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं, एक रोटी खाए, दो रोटी खाए, तीन रोटी खाए, पाँच रोटी खाए, पाँच रोटी पूरा फूल हो गया, यहाँ तक आ गया खाना, यहाँ तक आ गया, छठा रोटी बोलेगा कोई खाओ, खाइएगा, नहीं खाएंगे आप, नहीं खाएंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा पेट सेचुरेटेड हो गया, मतलब आपका पेट जो है सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, समझ में आ रहा है। तो एक निश्चित समय तक वहाँ पे आयंस का जो है फ्लो होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा बच्चे, और जहाँ पे बंद हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेचुरेशन में आ गया, उसको इक्विलिब्रियम यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। तो इसको आप इक्विलिब्रियम का चिन्ह इसलिए लगाए चूंकि एक निश्चित समय तक आने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो चार्ज का जो सेपरेशन है, चार्ज का जो सब, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन किसके बीच है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच और इलेक्ट्रोड के बीच, ये रॉड जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड, ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रोड, तो ये रॉड जो है आपका इलेक्ट्रोड है, आपको तो यहाँ बता दिया, ईओ का ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, है ना, तो ज़्यादा आपको घुमाना नहीं चाहता हूँ, तो आपको ये दिखाना चाह रहा था कि चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है। एक बात याद रखेंगे, ये सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ का जो आयन है सॉल्यूशन में आएगा, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है किसका, इलेक्ट्रोड का, इसीलिए सॉल्यूशन से अब जो है आयन्स किस में जाएगा, इलेक्ट्रोड में जाएगा, तो इसका वेट बढ़ेगा, इसका वेट घटेगा, है ना। तो ज़्यादा अंदर तक और नहीं जाएंगे क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, आपका जो डेफिनेशन है यहीं से आएगा, डेफिनेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बस समझाने के लिए वो फिगर मैंने बनाया था, आप लोग भी हो सकता है बना लें, अच्छा रहेगा, है ना, समझने में या किसी को समझाने में, ताकि आप एग्जाम में ठीक से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो फिगर जो था बस इसको डिफाइन करने के लिए, किसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, अब लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या है, तो आप सीधा बता सकते हैं, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोल सकते हैं बच्चे, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स, है ना, डेवलप्स बिटवीन द व्हाट इलेक्ट्रोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है समझ, बहुत ही सिंपल था ना, है ना। तो इस फिगर इसलिए बना दिए क्योंकि यहाँ चार्ज का सेपरेशन हमको दिखाना था, क्या दिखाना था, चार्ज का सेपरेशन, और जब चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या लिखा हुआ, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब होता है इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटक के बीच, क्या लिखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटक, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघटक के बीच डेवलप का मतलब होता है उत्पन्न होना, विकसित होना, है ना, अपघटक के बीच उत्पन्न विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन विभव कहते। तो दोनों लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है इलेक्ट्रॉन तथा वैद्युत अपघटक के बीच उत्पन्न विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सबका, याद रहेगा ना, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटक के बीच उत्पन्न विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसी में एक और आता है, एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं, जो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात को समझने की कोशिश करें, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं। ये तो याद हो गया होगा ना, अरे सीधा तो है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवों के अंतर को, उत्पन्न विभवों के अंतर को व्हाट क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, फिर सेल पोटेंशियल भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ क्या देखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद थोड़ा सा बताते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, है ना। तो ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको समझ में आ गया है ना, चार्ज में सेपरेशन हो रहा है तो किसके किसके बीच में चार्ज में सेपरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच, तो उसका पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक अभी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप बोल सकते हैं एस ई पी, है ना, स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, ई फॉर इलेक्ट्रोड, पी फॉर पोटेंशियल। एस ई पी से आप क्या समझते हैं, होता क्या है एस ई पी? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझिए आप क्या होता है, कि जैसे मान लिया जाए इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया या फिर जो आयंस इससे निकल के इसमें आ रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन यदि आपका यूनिटी हो जाए, यानी इसका मोलारिटी जो है यूनिटी हो जाए, कितना हो जाए, एक हो जाए, कितना हो जाए, एक हो जाए। तो जब एक हो जाएगा, जब इस सॉल्यूशन का जो है मोलारिटी या फिर आयंस का जो है मोलारिटी यदि यूनिटी हो गया, क्या हो जाएगा आपका, यूनिटी हो जाएगा। तो जब यूनिटी हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस तब जो है इसमें जो विभव उत्पन्न होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा, उसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके सहायता से अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजरमेंट मतलब उसको माप सकते हैं। कोई भी सेल है अकेला उसका पोटेंशियल नहीं जान सकते, उसको मेजर करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं। तो कहने का मतलब, यदि सभी स्पीसीज का सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन इकाई हो जाए, यहाँ सांद्रता का मतलब है मोलारिटी, कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए, एक हो जाए, तो उस समय उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट में, इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब मानक, और या फिर इसको बोल सकते हैं वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिसके सहायता से अज्ञात मतलब अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या हुआ आपका, हाफ सेल रिएक्शन हुआ, इसमें इन्वॉल्व कौन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है। तो बोल रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको एसीपी बोल सकते हैं। मतलब जब अर्थ सेल अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले सभी प्रजाति, स्पीसीज का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रजाति, स्पीसीज का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रजाति, स्पीसीज का मतलब प्रजाति की सांद्रता एक इकाई होती है, तब इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। या फिर इसी को आप एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये और लिखवा देते हैं सिंपल आपको। तो इसी को बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को और कैसे लिखा जा सकता है,
जैसे अभी मानक इलेक्ट्रोड विभव में बताए थे कि यदि आपका हाफ सेल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है जो भी स्पीसीज है उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, मतलब एक एक मोल हो जाए, तो उस केस में उसका जो डेवलप जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यदि सिंपल भाषा में इसको समझना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम क्या होता है, वो अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करता है। मेजर मतलब मापता है, क्या करता है, मापता है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच हेल्प्स टू मेजर द अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिसके सहायता से अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को मापा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस तरह से बच्चे हम लोग देखे आज कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, वो है सेल पोटेंशियल। उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें दो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, सेल पोटेंशियल क्या होता है और उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो आज इतने ही बच्चे, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में, है ना, और कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया, उसको कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप याद रखिएगा कि डैनियल सेल में जब देखें तो आपका जो लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इधर के क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, इसको लॉन भी बोल सकते हैं, इसको RRCP भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग बता चुके हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, चलिए।